हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेंशन फैक्ट्री। तो आज हम लोग आ चुके एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बनाएंगे एक क्लीनिंग मशीन। तो वो जैसे आप लोग के घर में पोछा तो लगता ही होगा रोज, तो वो गाइस काम करेगा आपका पोछा लगाने का। कोई मतलब कहीं पानी गिर जाए तो उसे सुखा देगा, जैसे वाइपर टाइप का। वाइपर नहीं, बहुत ही अच्छी मशीन है वो, तो आप ये ज़रूर बनाइए। बहुत ही ईजिली बन जाती है, बहुत ही कम सामानों में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग को क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम लोग के यहाँ पर एक जीयर मोटर चाहिए होगा, इसको आप टीटी मोटर भी कह सकते हैं। ये आपका मेन चीज़ है। अगर आपके पास ये मोटर नहीं है तो आप कोई मोटर नहीं ले सकते, क्योंकि ये मोटर बहुत ही पावरफुल होता है। स्पीड कम होती है, आरपीएम कम होती है, क्योंकि यहाँ पर ये मोटर जीयर में कनेक्टेड, जीयर्स होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से इसमें पावर बहुत ज़्यादा हो सकती है पर स्पीड कम होती है। पर हम लोग को यहाँ पर जितनी स्पीड चाहिए उतनी स्पीड ये दे देगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक लंबा सा पीवीसी पाइप लेना होगा, ये देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पाइप भी आप इसको कह लेंगे। इसका थोड़ा आप अपने हिसाब से मेजरमेंट ले लीजिए, जैसे आप हाथ पकड़ कंफर्टेबली इसको ज़मीन पे अच्छा आराम से टच करा सके। उसके बाद आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए यूएसबी केबल चाहिए होगा, या देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग 5 वोल्ट का यहाँ पर सप्लाई करेंगे। उसके बाद आप ये ऑप्शनल चीज़ है, यहाँ पर मैं एक LED ले रहा हूँ आपको, मैंने ब्राइट टॉर्च वाले आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी थी इस वीडियो के। तो ये चाहिए होगा आपको। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे बनाया गया है। गाइस यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, यहाँ पर आपको एक CD चाहिए होगा, जिसके पीछे मैं कैप लगा दिया हूँ। ये डिज़ाइन मैंने ऐसे ही बना दिया, आपको अगर बनाया है तो बना लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे यहाँ पर एक ऐसा कैप लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम लोग ये जो जीयर मोटर का पॉइंट है, इसका यहाँ पर होल कर लेंगे और उसको यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए हम लोग वो कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग का अच्छे से फिट हो चुका है, आप ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फिट हो गया है। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, अब हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा बनाना होगा जिसमें ये मोटर यहाँ पर कुछ हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग मतलब इस मोटर को यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर होल करके यहाँ पर आपको अच्छे से लगा देना है। तो चलिए अब हम लोग वो भी कर लेते हैं। तो गाइस सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया था, आपको यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा, जीयर मोटर को आपको कुछ स्ट्रिप ऐसे PVC पाइप की काट के कुछ ऐसे अटैच कर लेना होगा, यहाँ पर फेविक्विक से अच्छे से कर लेना हो ऐसे, और यहाँ पर आपको ऐसे कर लेना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे अच्छे से आपको अटैच कर लेना है, यहाँ पर मैंने टेप से फेविक्विक से अच्छे से कर दिया है, तो आपको भी ऐसे कर लेना है। तो यहाँ पर आपका 50% वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो अब आपको आगे यहाँ पर SPST स्विच से मोटर का कनेक्शन कर देना होगा। तो चलिए हम वो भी कर लेते हैं। तो गाइस आप ये देख सकते हैं ये SPST स्विच में यहाँ, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर LED लगाने के लिए यहाँ पर एक होल करना होगा, यहाँ से वायर LED का निकाल के, यहाँ से निकाल के यहाँ पर फेविक्विक से हम लोग चिपका देंगे। चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो गाइस आप ये देख सकते हैं LED यहाँ पर अटैच हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पर एक बार हम लोग टेस्ट दिखा देते हैं आपको ये कैसा लग रहा है। तो गाइस चलिए आपको दिखा देते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ पर LED भी ग्लो कर रही है और यहाँ पर मोटर भी अपने जिस स्पीड में घूम रही है उस में घूम रहा है। तो चलिए हम आपको अब कनेक्शन बता देते हैं। तो जो LED का वायर था वो बस मैंने इस मोटर के और इस मोटर के वायर में लगा दिया, बस इतना ही कनेक्शन है, आपको ये कर लेना है। तो बस अब हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है। तो आगे हम लोग यहाँ पर आपको जहाँ पर भी होल लगाना है, आप यहाँ पर जहाँ पर स्विच आते हैं वहाँ पर आप स्विच इतना होल्ड कर लेते हैं। चलिए हम लोग वो भी कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने स्विच लगा दिया है, या देख सकते हैं ये स्विच आपको यहाँ लगा देना होगा। फिर आप जब इसको ऑन करेंगे तो फिर ये अपने आप चलने लगेगा, और फिर आप जहाँ पर CD लगाए हैं वहाँ पर आप फोम या फिर कोई कपड़ा लगा दीजिए, जिससे कि वो साफ हो जाए। यहाँ पर आप फोम लगा दीजिए, कपड़ा लगा दीजिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल।